हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव फेक्स बाजार। जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देखने के लिए क्लिक किया है, मैं इस टाइप के व्यूअर्स को बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इस टाइप के व्यूअर्स को पता है कोई भी सामान खरीदना इतना आसान नहीं है। हर सामान का, हर प्रोडक्ट का अलग अलग स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स होता है, और आप लोगों का मेहनत का पैसा कोई भी फालतू सामान खरीदने में बर्बाद ना हो, उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। तो ये वीडियो का टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन मोनोब्लॉक पंप एंड सबमर्सिबल पंप। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है वर्किंग प्रिंसिपल। मोनोब्लॉक पंप कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बाय रोटेटिंग सिंगल इंपेलर, और इस तरफ सबमर्सिबल पंप कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बाय रोटेटिंग मल्टीपल इंपेलर। सेकेंड पॉइंट है वाटर सोर्स। मोनोब्लॉक पंप को आसानी से रनिंग करने के लिए उसका सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी बहुत ही सफिशियंट होना चाहिए, ताकि ये आसानी से पानी को खींच लाए और बहुत दूर तक फेंक सके। और इस तरफ सबमर्सिबल पंप को उतना सफिशियंट वाटर सोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि ये पानी के अंदर इंस्टॉल होता है और उधर से पानी को पुश करके बाहर निकल देता है। थर्ड पॉइंट है डिज़ाइन। मोनोब्लॉक पंप डिज़ाइन में हॉरिजॉन्टल होता है, और सबमर्सिबल पंप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही डिज़ाइन में मिलता है। चार नंबर पॉइंट है स्पेस। मोनोब्लॉक पंप को इंस्टॉल करने के लिए अलग से एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, लेकिन सबमर्सिबल पंप को इंस्टॉल करने के लिए फ्लोर में कोई स्पेस नहीं चाहिए, क्योंकि ये पानी के अंदर इंस्टॉल होता है। पाँच नंबर पॉइंट है इम्पेलर। मोनोब्लॉक पंप रनिंग होता है सिंगल इम्पेलर से, और सबमर्सिबल पंप में पानी को खींचने के लिए मल्टीपल इम्पेलर होता है। छः नंबर पॉइंट है प्राइमिंग। कभी कभार पाइप में लीकेज होने के कारण मोनोब्लॉक पंप ड्राई हो जाता है, तो उस कंडीशन में अगर आप लोग उसको स्टार्ट करेंगे तो वो पानी खींच नहीं पाता है, तब आप लोगों को मैनुअली मोनोब्लॉक पंप में पानी अंदर डाल के ऑन करना पड़ता है, तब भी ये काम करने के लिए कैपेबल होता है। और इस तरफ सबमर्सिबल पंप पानी के अंदर होता है, इसके लिए उसको मैनुअली प्राइमिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता है। सात नंबर पॉइंट है कैविटेशन। कैविटेशन का मतलब है वाटर पंप का बाहर का प्रेशर और वाटर पंप का अंदर का चैम्बर का प्रेशर अलग अलग होता है। तो एनवायरमेंटल प्रेशर और वाटर पंप का चैम्बर का प्रेशर अलग होने के कारण चैम्बर के अंदर मॉइस्चर पैदा होता है, और उसके कारण चैम्बर के अंदर रस्टिंग शुरू होता है, और लॉन्ग रन में वाटर पंप खराब हो सकता है। लेकिन सबमर्सिबल पंप वाटर के अंदर रहने के कारण इसमें कोई प्रेशर का डिफरेंस नहीं होता है, और उसके कारण कैविटेशन भी नहीं होता है। आठ नंबर पॉइंट है फ्लो रेट। मोनोब्लॉक पंप का फ्लो रेट कम होता है, और सबमर्सिबल पंप का फ्लो रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। नौ नंबर पॉइंट है पावर कंजम्पशन। मोनोब्लॉक पंप का पावर कंजम्पशन कम होता है, और इस तरफ सबमर्सिबल पंप का भी पावर कंजम्पशन आप लोग उतना ही बोल सकते हो। कोई कोई कंडीशन में इसका थोड़ा पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो सकता है। दस नंबर पॉइंट है ओवरहीट। अगर आप लोग मोनोब्लॉक पंप को कंटिन्यूसली रनिंग करते हैं तो ये ओवरहीट हो सकता है, लेकिन सबमर्सिबल पंप पानी के अंदर होने के कारण ये कंटिन्यूस रनिंग के बावजूद ओवरहीट नहीं होता है। ग्यारह नंबर पॉइंट है नॉइस। मोनोब्लॉक पंप का नॉइस बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन सबमर्सिबल पंप का नॉइस ना के बराबर है। बारह नंबर पॉइंट है वेट। मोनोब्लॉक पंप का वेट कम होता है, और सबमर्सिबल पंप का वेट मोनोब्लॉक पंप से ज़्यादा होता है। तेरह नंबर पॉइंट है पोर्टेबिलिटी। आप लोग आसानी से मोनोब्लॉक पंप को इधर से दूसरे जगह पे कैरी कर सकते हो, लेकिन सबमर्सिबल पंप को कैरी करना उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर सबमर्सिबल पंप ओपन वेल है तो उसको आप लोग कैरी कर सकते हो। चौदह नंबर पॉइंट है मेंटेनेंस। मोनोब्लॉक पंप को बीच बीच में मेंटेनेंस करने का ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि ये एनवायरमेंटल कंडीशन में इंस्टॉल होता है, ओपन एरिया में इंस्टॉल होता है, तो ओवरहीट रेन या धूल मिट्टी के कारण बीच बीच में खराब होने का चांसेस हो सकता है। लेकिन सबमर्सिबल पंप अंडरग्राउंड होता है और पानी के अंदर होता है, तो इसके लिए इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अगर सबमर्सिबल पंप एक बार खराब हो जाए तो इसका मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। पंद्रह नंबर पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। आप लोगों को मैं ऑलरेडी बोला हूँ, मोनोब्लॉक पंप बाहर इंस्टॉल होता है, एनवायरमेंटल कंडीशन में इंस्टॉल होता है, इसके लिए इसका ड्यूरेबिलिटी कम हो जाता है। और सबमर्सिबल पंप वाटर के अंदर होता है और ये ओवरहीट नहीं होता है, इसके लिए इसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है। सोलह नंबर पॉइंट है इंस्टॉलेशन। मोनोब्लॉक पंप को इंस्टॉल करते हैं ज़मीन में, फ्लोर में या ओपन एरिया में,
और इस तरफ सबमर्सिबल पंप को इंस्टॉल करते हैं वाटर के अंदर या बोरवेल में। 17 नंबर पॉइंट है एप्लीकेशन। मोनोब्लॉक पंप यूज होता है होम, गार्डन और स्मॉल कमर्शियल पर्पस में, और सबमर्सिबल पंप यूज होता है बिल्डिंग, होटल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एरिया में। और लास्ट में 18 नंबर पॉइंट है प्राइस। मोनोब्लॉक पंप का प्राइस बहुत ही कम होता है, लेकिन सबमर्सिबल पंप का प्राइस कंपेटिवली ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट 18 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मोनोब्लॉक पंप एंड सबमर्सिबल पंप। अगर आप लोगों को बेस्ट वाटर पंप, बेस्ट सबमर्सिबल पंप, बेस्ट ओपन वेल पंप खरीदना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो, इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग ये वीडियो सभी फ्रेंड्स, फैमिली और कोलीग के साथ शेयर कीजिएगा। और जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल को दबाना मत भूलिए। मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा। टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।